धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कृपया इसका सेवन ना करें। धन्यवाद। कुछ कर रहे ए टीएन का बोर्ड लगा। क्या देख रहे हो? बेंच की तरह काम दिखा है। 3000 किलोमीटर बिना रुके जाएगा ना? 30000 किलोमीटर बिना रुके हुए चलाओगे क्या? ₹2000 और देते थे। इसको रखो, अगली बार देखते हैं। भाई गाड़ी जाके देख। हाँ बैठक ले, गाड़ी नीचे ला। पिकअप सब बढ़ा के रखा है। ए गाड़ी नीचे उतार। बस कर। ए सब चेक कर लिया ना? चेक कर लो। जाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझा? आओ स्ट्रेट आओ, घुमाना मत। आज 4 बजे का एक पिकअप है। बारिश होने वाली है, घर पे छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है। हेलो वेट्री, मैं भी मीटिंग में हूँ, नहीं आ सकती। बहुत सारे भाई। और वेट करो। और वेट करो, कितने बार मैंने अकेली वेट किया है।
Welcome to Just Dial. How may I help you? Your data has been updated. Morning. Welcome to Just Dial. Just Dial का मतलब है जनता की जरूरत के कमर्शियल प्रोडक्ट को उसे जनता के पास पहुंचा। वही है हमारा काम। So, good luck everybody. मेरा केबिन यहीं पर है। अगर आपको सवाल पूछने हो तो you can come and meet me anytime. Okay? Good luck. Hello, welcome to Just Dial. सर, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। नजदीक में कोई हॉस्पिटल है? बता सकते हैं? Sure, no problem. Hold on. सर, आप कौन से एरिया से कॉल कर रहे हैं? सिग्नल के पास से। सर, तेनमपेट में अपोलो हॉस्पिटल है। आपका नंबर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स एसएमएस करता हूँ। 9884010976 सर। ओके सर, आपको मोबाइल पर एसएमएस भेज दिया है। आपको और कोई जानकारी दे सकता हूँ सर? और कुछ भी नहीं सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग जस्ट डायल। यमुना, खाना खाने आओ। बिना खाना खाए जाना इसकी आदत ही बन चुकी है। कार्ड कहाँ है? वो बुक शेल्फ में होगा, देखो। मेकअप के लिए इतना वक्त लेती हो? दो निवाले तो खा सकती हो ना? ठीक है, ऑफिस में जाकर खा लेना। क्यों रे, तुम्हें हमेशा नाइट शिफ्ट ही क्यों देते हैं? डे शिफ्ट क्यों नहीं देते? दिन में काम पे जाने से बहुत लोगों की नींद खराब हो जाएगी, इसीलिए नाइट शिफ्ट में जाती हूँ। समझ गई ना? हाँ हाँ, तुम रात भर काम करती हो और तुम्हारे बारे में सोचने से मुझे नींद नहीं आती। शुरू कर दिया सुबह सुबह। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, आप चिंता ना करें। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। नहीं हो, इसीलिए तो डरती हूँ। लो पकड़ो, क्या देख रही हो? तुझे पता है तेरे आने तक मेरी क्या हालत होती है? ऐसे ही रोज चिंता करते हो। आप मेरे साथ काम पे चलो। अब मेरे साथ तू मजाक कर रही है? टेंशन मत लो माँ, कैब आती ही होगी। हंसो हंसो हंसो। ठीक है, संभाल कर जाना। बाय बाय। 6 बजे की सेकंड कैब में ही आओगी ना? संभाल कर। ठीक है। भरत, उसको देखो ना, कार की तरफ देखती नहीं, सिर्फ खिड़की देखती रहती है। ऑफिस सिर्फ टाटा दिखाने के लिए आती है। क्यों रे, आज मूड आउट है? खिड़की नहीं खुली क्या? चुप कर रे, तुम भी कितना दिमाग खराब करती हो। गीता, जब से हमने जॉब ज्वाइन किया है तब से नाइट शिफ्ट ही दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक से डे शिफ्ट पूछना ही पड़ेगा। इसके साथ जब तक है हमें डे शिफ्ट कभी नहीं मिलेगी। हेलो, 2060 साइनिंग इन। दही वड़े में बूंदी डालकर रेडी कर दिया सर। हमेशा खाते ही रहना क्या? काम हाँ। देखो मैडम, बैंगलोर ब्रांच थोड़ा फोन लगाओ। यस सर। तुम क्यों इतने उदास हो? नथिंग सर। देखो, ऑफिस में घुसते समय सारी परेशानियां जो भी होंगी सबको बाहर छोड़कर आना चाहिए। बाहर एक वॉचमैन है, उसके पास सब छोड़कर ब्लैंक और फ्रेश होकर आना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू फॉर योर एडवाइस सर। हाँ, थैंक यू। हेलो मैडम, अपना नंबर बताइए। ओके। कुछ काम नहीं है, फोन करता रहता है। वेलकम टू डोकोमो, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरा नाम वेट्री है, मैं कॉल किए जा रहा हूँ। कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, फोन उठाने को बोलिए ना। ए, हाँ। कौन है? वही है ना? गुस्सा मत दिलाओ,
क्या चाहिए? मैडम लगता है गुस्से में है, एक पप्पी दो ना। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, पप्पी दो ना। सॉरी, अभी ये सेवा बंद हो गई है। कब स्टार्ट हुआ था? ए रुको रुको, कौन सी सेवा हमने बंद की है? एक्स्ट्रा 5 सेवा हमने जोड़ा है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अरे ये टॉर्चर कॉल है सर। अरे भरत, हमेशा ये टॉर्चर कॉल तुम्ही को आता है ना, आज इसको कैसे आया? इसीलिए मैं टॉर्चर से बचने के लिए इसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया? इसके लिए तुम 15,000 पगार लेते हो? क्वालिटी मीटिंग में बात करता हूँ। बात करता है यमुना, इसके टॉर्चर से बेटर है तो वो फोन टॉर्चर है यमुना। ओहो, मोबाइल पर कॉल करो। क्यों तुमने फोन अटेंड नहीं किया? बाइक पर आ रहा था ना, ट्रैफिक पर कुछ भी नहीं सुन सका यमुना। क्यों मेरे आते वक्त खिड़की पे नहीं खड़े थे? बोलो। वो छोड़ो, तेरे लिए मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, बाहर आ जाऊँ। भरत, मैं वेट्री से मिलने जा रही हूँ, फोन है तो फोन कर देना। घूम कर देखो। देखो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, आते वक्त टाटा नहीं किया ना, तुम मुझसे बात मत करो। सॉरी यमुना, गुस्सा मत हो ना, ऑफिस में बहुत काम था और ये भी मुझे लेट कर दिया। कौन मैं? और कल से तुमको बिगड़ टाटा करे नहीं भेजूंगा, ठीक है? अकेले में आकर बोलना चाहिए था ना। मैं नाइट में खुशी खुशी क्यों आती हूँ? आते टाइम पे टाटा दिखाना चाहिए ना तुम्हें। कार पे बैठते समय गीता और भरत ने मेरे बहुत बहुत खिली उड़ाई। बहुत देर बाहर मत खड़ी रहो यमुना, पैर दर्द करेगा, तुम अंदर जाओ। ए, तो क्या हमारे पैर में दर्द नहीं होगा? तुम अंदर जाओ यमुना। परवाह नहीं, मैं जो बोलती हूँ सुनो। मेरे बोलने से नहीं सुनेगा। एक मिनट रुको, क्या हुआ? यू हैव अ कॉल, कम फास्ट। ओके, मैं अंदर जाके आती हूँ। तुम किसको फोन कर रहे हो? वेलकम टू डोकोमो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ, डोकोमो का हेल्प रहने दो, तुम पहले मेरी मदद करो। जगन तो तू है। hey! देखो यमुना, तुम बात करती रहोगी तो ये सुबह तक यहीं खड़ा रहेगा, ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ मेरे साथ कोई बात करे भी तो चलेगा, मैं बाजू में खड़ा होकर टाइम पास करूंगा। तुमने खाना नहीं खाया वेट्री? तुम खाना खा लो वेट्री, घर जाओ। हेलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। नमस्कार सर। ओके। लव है बे। 5 साल की उम्र से लव करना कोई बात नहीं है, लेकिन 5 साल की उम्र से मुझे मामू का काम पर लगाया ना। जा रे। अबे जाने दे मामू। क्या मामू बोला? अबे तो छोड़ना भांजे, गाड़ी चालू कर बे। भाई अगर कोई लव मैसेज होगा तो SMS भेज देना मुझे। मैं जीएससी को फोन करता हूँ, कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी भेजेंगे, तुमको डालकर ले जाएंगे। ऐसे बातें मत करो यार, शमशान जाने की उम्र में भी उसको आइटम मिल जाती है। मैं तो अच्छा दिखता हूँ, मुझसे कोई नहीं पड़ती यार। अरे पकड़ 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 पकड़। शुरू हो गया। बोलिए हमना। तुम कुछ ऑफिस में देने वाले थे ना? उसमें क्या है, दे देता हूँ। क्या हुआ? डस्ट पापा। मैंने तो कुछ नहीं पूछा। इसका तो चालू है। कौन है रे? पापा मुझे बुलाया। आपको नहीं पापा? अरे कौन है रे? पापा। क्यों जी, पापा पापा बुला रहा है, क्या चाहिए पूछोगे नहीं क्या? मम्मा। क्या हुआ? अरे पापा है या मम्मी है? मम्मा। क्या हुआ, ये क्या है जी, आपसे भी बड़ा लूज दिखता है। अभी समझ में आया कि तुम्हारा पति तुमको क्यों छोड़कर भाग गया, बुढ़ी गई की। अरे जगत, तुम कब आए? मुझे आकर आधा घंटा हो गया, छोटे हाथी का स्टाइल लगाने में इतनी देर हो गई। क्या डैडी, सेकंड राउंड है? मिलिट्री में रहने से एक ही काम बचा था, एंजॉय। क्यों बे, तूने अभी तक खत्म नहीं किया? मारेगा क्या? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है। अरे मारने के बाद खाना खा ले। खाना खाकर मारता हूँ ना। मारो। चलो ना माँ, भूख लगी है। अरे बैटरी, तुम भी खाने को चलो। नहीं आएगा माँ। ठीक है, मेरी मम्मी क्या कर रही है देखो। लाइट ऑफ है रे। लाइट ऑफ है। अरे खाने को आओ। क्या पुराने पेपर, लोहे का सामान, बेडरूम को भंगार की दुकान बना दिया है, यहाँ कैसे नींद आएगी? अबे जल्दी सो जा, सुबह काम है। संडे के दिन वैसे भी क्या काम है? अबे उठ के जॉगिंग पे भी जाना। तुम तो जाओगे ही। कौन होगा इस समय? ए इतनी जल्दी सो गए क्या?
सुबह उठकर आना है ना? ए, मुझे याद नहीं करते हो? अरे तुम्हारे बारे में सोचता भी तो लेटा हूँ, तभी तो तुम मेरे सपने में आओगी। नहीं सोके तो तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगी। मैं सुबह आऊँ या नहीं? ठीक है, तुम सोचो, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। लगता है सोने नहीं देगा। बात कर रहा है, ये बात करता है या नींद में बात कर रहा है, समझ में नहीं आता। अब ये सोने भी नहीं देगा, मैं नीचे जाकर सोता हूँ। एक वक्त के खाने के लिए मेरा ये हाल कर दिया है। छी, अरे ए बैटरी, ए अलार्म बज रहा है। मैं ऑफ कर देता हूँ, सोने दे यार। ए बैटरी, फिर अलार्म बज रहा है, अबे ऑफ करके सो जा यार। ऑफ करने के लिए अलार्म क्यों रखता है? हेलो, हाँ यमुना, बस आ रहा हूँ, बस। हाँ हाँ यमुना। अरे क्या कर रहा है? आया, बस आया। अरे चला गया, ये तो 4 बजे ही उठ जाता है। इसका बाप मिलिट्री मैन फिर से 5 बजे उठा देगा। कैसे भी सो जाओ जगन। नौ करने वाले के बाजू में कभी मत सोना। ओके, सी यू, बाय, रात को मिलते हैं। सॉरी सॉरी, हे यमुना यमुना, सॉरी सॉरी यमुना, प्लीज माफ कर दो यमुना यमुना, प्लीज देखो ना, एक बार माफ कर दो। देखो देखो यमुना यमुना, प्लीज यमुना, प्लीज एक बार माफ कर दो। मैं तुमसे बोली हूं, लेट मत करो, सुनते नहीं हो क्या? मेरी बात मान लो यमुना, मैं देखो देखो ऐसा मत करो, देखो मेरी बात मानो ना। देखो मैं रोज सुबह यहां फिकते हुए क्यों खड़ी मेरी बाइक, मगर तुम्हें इससे क्या फर्क? खराब हो गई थी, तुम्हें तो बस सोना जरूरी है। जाओ प्लीज यमुना, सुनो मेरी बात नहीं करती, गेट लॉस्ट। देखो सुबह हमें एंजॉय करते हैं, बारिश भी हो रही है, आसपास कोई भी नहीं है, ठंड भी लग रही है। देखो अभी भी तुम मुझे डांटोगी क्या? ना जानू
बस इतना, जो भी है बस यही पल है, जो तू है साथ मेरे हमदम, मुझे किस बात का है फिर गम, तेरे ही साथ बीते जीवन चारे सबसे प्यारा रे है, जब से तुझको दिया मैंने दिल, तन्हा जीना हुआ मुश्किल। ये दिल खाए हिचकोले, लड़ी बूंदों की बोली, तेरे संग होले होले चलना अच्छा लगता है। घड़ी घड़ी तुझे सोचो, तुझे में रहूं कोई, सोई में रहूं जगी, जगी जागे में रहूं सोई, तू जो रहे मेरे पास होता है सारा जहां, जानम सच है मुझको यहाँ, मुझको यहाँ, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी हंसी, तू ही जान, तू ही मेरी जान, छिर छिर बूंदों में समाई जैसे तेरी खुशबू है, सच है ये जादू तेरा। साथ ऐसा क्यों होता है? We will send you SMS क्या हुआ? मोबाइल कुछ नहीं, भूत पकड़ा क्या? भूत पकड़ता तो अच्छा था, एक बेवड़े ने दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है फ्री हो जाओ, कल यमुना का बर्थडे है, आज नाइट फुल टाइट। अबे विट्री क्या बोल रहा है तू? ठीक है पार्टी कहाँ रखेंगे? कहाँ रखें कहाँ रखें, वाइन शॉप में जाकर मारते हैं तो 10 बजे लाइट ऑफ करके बाहर निकाल देंगे, वो सही नहीं होगा। 5-स्टार होटल में रूम डालकर लेंगे तो बाजू के कमरे से आकर तुम सब पढ़े लिखे हो, क्या आपको मैनर्स नहीं है, डिसेंट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है बोलेगा, हमें खामखा टेंशन हो जाएगा, उसके बाद खून के मामले में अंदर जाना पड़ेगा। अगर हम रिसोर्ट जाते हैं तो तुम 4 बजे अमना को देखने के लिए चले जाओगे, बिना पैसे के बिल भी नहीं भर पाऊंगा, उसके लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी अच्छी बात नहीं है। क्या करें क्या करें? अबे एक सुपर आइडिया है। कहां? तेरे घर पे। मेरा बाप टीवी में कोई दारू अगर पी ले तो टीवी तोड़कर फेंक देता है, वो भी सही नहीं होगा। भाई एक काम करते हैं, तेरे ही घर पे लेंगे, तुम्हारा बाप मिलिट्री माल बाकी रखा होगा, अगर कुछ कम पड़ा तो उसको मिलाकर पी लेंगे, कैसा रहेगा? मेरे बाप से गठबंधन किया तो एक पैग भी नहीं मिलेगा। करेक्ट है, वो हमसे बड़ा बेवड़ा है, हमारा भी माल पी जाएगा।
देख मैंने फिक्स कर लिया है, तुम्हारा घर ही है वाइन शॉप, तुम्हारा बेडरूम ही है बार, तुम्हारा टेरेस ही है डिस्कोटेक, रात भर पीते हैं। अगर तेरा बात मत पियो बोलता तो उसको बहुत मार मारेंगे। ओके वेट्री, क्या साले, क्या गुड, वेरी गुड। अच्छा तुम आजकल कॉल्स आने पर सिर्फ हूं के अलावा कुछ भी बात नहीं करते हो, क्यों, क्या हुआ तुमको? व्हाट हैपेंड मैन, कम टू माय केबिन। ए कस्टमर से भी सिर्फ हूं करता है, मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। फैक्ट्री नाराज मत होना, एक बात है, कल सुबह मैं नहीं आ सकूंगी, मेरे लिए वेट मत करना। ऑफिस में क्वालिटी मीटिंग है, अभी फोन करके बताते हैं। मैं क्या करूं, ऑफिस में मेरा बॉस काम देखकर जान मार रहा है, तुम तो गुस्सा नहीं होंगे ना? आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन था? यमुना। तू क्या बात कर रहा था? मैंने कुछ नहीं बोला, जो तुम हमेशा करते हो हमिंग, वही बोला। ठीक है, क्या बोल रही थी? ऑफिस में कुछ काम है, 4 बजे वेट मत करना, यही बोली। क्या नहीं आएगी? बोली, अपने आप को क्या समझती हो? उसके बर्थडे के लिए तुम लोगों के लिए फॉरेन का माल रखा हूँ, और अगर वो नहीं आई ना तो सारा का सारा माल तोड़ दूंगा। अरे बात करके देख ना, क्यों परेशान हो रहा है? करता हूँ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ देखो, सिर्फ फोन उठाने दो उसको। यमुना, यमुना क्यों नहीं आओगी? यमुना नहीं रे, मीटिंग है। प्लीज यमुना आओ ना, क्वालिटी मीटिंग है, मुझे जरूर जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा यमुना, प्लीज यमुना मेरे लिए थोड़ा ट्राई करो ना। ट्राई करती हूं। यमुना बाय। यमुना खाना नहीं खाओगी? तुम भी ना जाओ, माँ जल्दी आओ। क्या बोली वो? ट्राई करती हूँ। ट्राई का मतलब आ रही है, मुँह क्यों लटका रहा है? Yes! पिताजी का आनेस पहले पी लो। अपने आइटम को पहली बार कब देखा था? अरे मेरे भाई वो 20 साल पहले की कहानी है, उसका मुंह मत खुलवाओ, दारू पियो और निकलो। ए, ए तू चुप कर। हाँ बोल क्या हुआ? उसी की दारू के लिए उसी को चकना बनाया क्या? मेरे प्यार का और मेरी यमुना का एक ही उम्र है, उस दिन मैं बहुत खुश था। क्यों? ये पूरा शहर खुश था क्योंकि उसी दिन अपने हीरो की पिक्चर रिलीज हुई थी। अरे यार मैं कब से तैयार हो गया हूँ, तेरी माँ अभी तक तैयार नहीं हुई, जाके पूछिए तैयार होगी। हेलो, मेरी को बच्चा हुआ है। बहुत खुशी की बात है। मेरी को बेटी हुई है। देवी पैदा हुई ऐसा बोलो। हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है, डॉक्टर कल का डेट बताया था। अच्छा आज ही हो गया डिलीवरी। कौन सा हॉस्पिटल? पेटा हॉस्पिटल। मैं जरूर आता हूँ। क्या है, साड़ी पहन रही थी, तुम्हें पता था ना? कौन था फोन पे? मैरी का हस्बैंड था। क्या हो गया जी? मेरी को बेटी पैदा हुई है। अच्छा नॉर्मल है ना? बच्ची को देखने के बाद हम पिक्चर देखने चले जाएंगे। अरे अरे क्या हुआ बेटा? बेटी बेटा थिएटर के बाजू में हॉस्पिटल है, बच्ची को देखने के बाद पिक्चर जाते हैं। अरे बेटा नहीं रोते, आप चुप रहो जी, उससे क्या बात करते हो, बच्ची को देखेंगे उसके बाद पिक्चर जाएंगे। चल मुझे बच्ची देखने नहीं जाना, पिक्चर जाना। चलो बोली ना। आइए, साहब नहीं आए? आए हैं, यही पर हॉर्लिक्स दूध लेने गए हैं। मेरी जैसा तुमने चाहा वैसे ही एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। कितनी सुंदर बेटी है, अरे देखो बच्ची कितनी सुंदर है, इधर आ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ? सर को आज सिनेमा देखने जाना था, उसी की तैयारी हो रही थी तभी फोन आया, सोचा पहले हॉस्पिटल जाते फिर पिक्चर जाए, इसलिए गुस्सा है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं बोलकर देखो कैसे आया है। वेट्री सिनेमा चलते हैं ना? अम्मा बच्ची उंगली नहीं छोड़ रही। सुपर है भाई, ऐसी लव स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनी थी। तुम अभी तक नहीं सुने? कहानी अच्छी तो है मेरे भाई। भाई
भाई, एक अनोखे प्रेम कथा है भाई। वो छोटी सी उम्र में बहुत सुंदर थी ना। वो छोटी नहीं है भाई। हेलो, हैप्पी बर्थडे यमुना। हे, वही है ना? जाके हेलो, थैंक यू। मेरा मीटिंग है, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो मेरे लिए वेट मत करना। सेकंड कैब में आते वक्त मिलती हूँ, ओके? कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। इंदरे, हैप्पी बर्थडे यमुना। तुम जैसे हूँ बोलते हो वैसे ही बोल रही थी। भाई भाई, वो जब हंसती है तो कितने सुंदर लगती है। ऐसे ही वो एक दिन रोई थी। अरे अरे, फिर से कहानी, मैं नहीं झेल पाऊंगा भाई, मैं नहीं झेल पाऊंगा। वो चला गया। अरे उस दिन उसके पिताजी का इंतकाल हुआ था, उसी दिन यमुना को पहली बार रोते हुए देखा था मैंने। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ यमुना ही है। वो कुछ भी मांगेगी, मैं कभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, सबके हाँ में हाँ बोलूंगा। वो कभी भी रोनी नहीं चाहिए। मैं चलती हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। उसकी माँ किसी से भी ठीक से बातें नहीं करती है, हमारे घर में भी ठीक से बात नहीं करती, इसलिए यमुना कुछ भी बोले मैं हूं ही बोलता हूं। अबे, अभी तक तेरा खत नहीं हुआ, ये क्या सभी गिर पड़े? क्या बोले थे, घर चले जाएंगे? अबे आना। किस लिए? एक और कहानी के लिए? अरे अरे, मेहरबानी करके चले जाओ रे, मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। अरे अरे ए, आज मेरा बाप मुझे घर से निकालने वाला है। अरे पिताजी, मैंने नहीं पिया, मैंने सिर्फ चखना खाया था। क्या अलार्म है? विट्री को जगा देना। विट्री, यमुना, मैं चलता हूँ। ए ए, रुक रुक, बस मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। जाओ, रुक। बाय बाय। अरे नशा ही नहीं उतर रहा यार, आएगी तो बहुत डांटेगी। बारिश होने वाली है, घर पे छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है। हेलो वेट्री, मैं भी मीटिंग में हूँ, नहीं आ सकती, बॉस आ रहे, बाय। जब मैं वेट करता हूँ तभी तुम नहीं आओगी। और वेट करो। कट करोगी तुम? मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ ना, तभी तुम करोगी। जैसे भी सेकंड कैब में आओगी ना, तब मैं तुम्हें देख लूंगा। और वेट करो, कितनी बार मैंने अकेली वेट किया है।
स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यमुना कहाँ है? वो तो फर्स्ट कैब में जाती हूँ बोलकर निकल गई। 4 बजे से मैं यहीं हूँ, ना कैब आई ना वो आई। तुम हमेशा की तरह लेट आए होगे। तुम जाकर उसे घर पर देखो। हाँ, वो तो फर्स्ट कैब से ही निकल गई। बोलकर गई थी ना। छोड़ो छोड़ो, इन दोनों को यही काम है। क्यों, रात भर कहाँ थे तुम? कॉफी पियोगे क्या? क्या हुआ जी, कुछ कहे बिना ही जा रहा है। आंटी, तुम्हारी माँ है अंदर। अंदर आई आंटी। माँ किधर है? मम्मा नहा रही हैं। हाँ। पापा, आइए यमुना की माँ, आइए। क्या मेरी, क्या यमुना हुआ? यमुना अभी तक घर नहीं आई है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस से हमेशा की तरह निकल गई थी, सब जगह पूछ कर देख लिया, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टेशन जाते हुए डर लग रहा है, आप में से कोई साथ चले तो। बैटरी, एक ऑटो बुलाओ। बैटरी। हाँ? कितना हुआ? 40 रुपया सर। आप उधर ही ये लो। घबराओ मत मेरी, हिम्मत रखो। हाँ, सब पता चल जाएगा, सब पता। देखिए, वहाँ जितना भी अर्जेंट हो जाए हमारे स्टेशन से आदमी नहीं आएगा। आप अड़ियर फोन कीजिए, वो हमारे स्टेशन लिमिट में नहीं है सर। ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए। काम पे गई हुई लड़की अब तक वापस नहीं आई सर, एक कंप्लेंट करना है। मिसिंग है? हाँ। उस टेबल पर जाइए। बोलो साहब, लेडीज आ रहे हैं। तुमने जो किया तुझे तो नंगा घुमाना चाहिए। चुप बैठ सर। हाँ बोलिए। कल रात काम पर गई हुई लड़की अभी तक वापस नहीं आई सर, कंप्लेंट करना है। लड़की मेजर है या माइनर है? मेजर है सर। मेजर है? वो आपकी बेटी है? हाँ सर। फोन पे बात हुई? फोन स्विच ऑफ है। क्या बेटी के ऑफिस से आपने किसी को बुलाया है क्या? हाँ। उनके फ्रेंड और अपने रिलेटिव से आपने पूछा था क्या? सब करके देख लिया सर। बेटी, अभी इंस्पेक्टर आते होंगे, आप लोग वेट कीजिए। क्या हुआ रे? मालूम नहीं मेरे भाई, फर्स्ट कैब में नहीं आई और सेकंड कैब के लिए वेट किया था, उसमें भी नहीं आई। फोन करके देखा, स्विच ऑफ ही है। डर लग रहा है मुझे तो यार। तुम अपना मुंह खोलकर मत फंसो, उसकी माँ भी आई है। अबे वो नहीं है समस्या यार। अरे जल्दबाजी मत करो, पिताजी को बोलकर हाईकोर्ट लॉयर को बुलाया है, उसके आने तक सब्र कर, मेरी बात मान ले। सर जी नमस्कार। अरे वो कुछ बोला क्या? मॉर्निंग सर, अभी तक नहीं बताया। तीनों पेंडिंग केस रिसीव डाल दो। हाँ सर, मैं स्टेशन में ही खड़ा हूँ, मैं ही आता हूँ सर। ओके सर। विट्री, पिताजी का भेजा हुआ लॉयर आया है, मैं जाकर उसको लेकर आता हूँ।
सर, सर, भाई भाई सर, मिसिंग केस था इसलिए अंदर छोड़ दिया। हाँ अभी आ गया है, बोल। सर यमुना कल काम से अभी तक घर नहीं आई है, डेली मैं ही। तुम कौन? मैं, मेरा बेटा है सर। आप कौन? एक्स सर्विसमैन, मैं भाड़े पर रहता हूँ, ये लड़की की माँ है। क्या रे? सर लड़की मेजर है, कंप्लेंट अभी तक नहीं लिखी है, आपसे पूछ कर लिखेंगे। मेजर है, बैठिए। बेटो मेरी, डरो मत, आप डरिए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। लड़की का नाम? यमुना। यमुना क्रिस्टीना। यमुना, बाप का? जिंदा नहीं है सर। बेटी कहाँ काम करती है? कॉल सेंटर में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है सर। कॉल सेंटर, कब से लापता है? आज सुबह से। सुबह से क्या मतलब? नाइट ड्यूटी सर। नाइट ड्यूटी, हाँ। कितने बजे ऑफिस जाती है? रात को 9 बजे। ऑफिस कैसे जाती है? ऑफिस कैब में ही जाती है सर। कैब में, हाँ। ड्राइवर का क्या नाम है? नहीं मालूम सर। इन्फॉर्म कर दिया? ड्राइवर को ऑफिस से बुलाया है सर। विट्री, कैब में यमुना के साथ ऑफिस कौन कौन जाता है पता है क्या? नहीं सर। वो कौन है? मेरे बेटे का दोस्त है सर। साथ लॉयर आए हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है। मालूम नहीं। चल मिलते हैं। फोन नंबर क्या है वो भी नहीं मालूम, ड्राइवर का नाम भी नहीं मालूम, आपकी बेटी कहाँ काम करती ये भी नहीं मालूम, बस कमाई लाके हाथ में रख दे। आप पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? डेली सिटी में क्या क्या होता है, अब रोने से क्या फायदा? सर इसके बारे में ही बोला था। पार्टी या पब में कहीं जाती थी? सर ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। आपसे छुपाकर किसी से प्यार व्यार करती थी? नहीं सर। नहीं। आप बता रहे हैं लड़की मेजर है, अभी केस नहीं लेंगे, वो क्या लव अफेयर है या भाग गई है या शादी हो गई है ये सब देखेंगे, 3 दिन वेट करके यदि वो वापस आती है ये सब देखने के बाद ही FIR फाइल करेंगे। कितने बजे ऑफिस से वापस आती थी? 6 बजे की सेकंड कैब में ही आओगी ना? 6 बजे। पुलिस स्टेशन को कन्विंस करने से बेहतर कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं सर, हेबियस कॉर्पस फाइल करने से लड़की को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे। सर ये यमुना के ऑफिस के टीम हेड है। हेलो सर। और ये ड्राइवर है। नमस्ते सर। ड्राइवर है, आपका नाम क्या है सर? स्वामीनाथन। ऑफिस में लड़की का नेचर क्या था? बहुत अच्छी लड़की है सर, ऑफिस में पार्टी के लिए भी नहीं आती थी सर। नाइट शिफ्ट में लगभग कितने लोग काम करते हैं? 150 लोग सर। सभी लोग ऑफिस कैब में ही आते हैं ना? यस सर। कौन से एरिया से रहे तू? रायपिटा सर। कितने दिनों से काम कर रहा है? 6 महीने से गाड़ी चलाता हूँ सर। डेली कितने बजे पिकअप करता है? 9 बजे सर। कहाँ? उनके घर पे सर। कितने बजे ऑफिस पहुँचते थे? 10 बजे तक पहुँच जाता हूँ सर। यमुना के अलावा और किसको पिकअप करते थे? 5 लोग सर। ठीक है, लड़कियों को कहाँ रखा है सर? लड़की को कहाँ रखा है सर? उस लड़की को घर तक छोड़ने के बाद और 2 लड़कियों को घर तक छोड़ता हूँ, आप उनको पूछ लीजिए सर। वो लड़की डेली जहाँ उतरती है वहीं उसको छोड़ा सर। डेली कहाँ छोड़ते थे? कोई बात नहीं भैया, मैं चलती हूँ। वो अपने घर के पहले बीच रोड पर ही उतर गई सर। घर से पिकअप करके बीच रोड पर ड्रॉप करता था तू? हाँ वो लड़की ही डेली वहीं उतरती थी सर। कितने बजे ड्रॉप करता था? डेली सुबह 4 बजे ड्रॉप कर देता था सर। कितने बजे घर आती थी आपने बताया? 6 बजे सर। यहाँ रुकने से अच्छा हम कोर्ट में जा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं? अब पिताजी को पूछकर आता हूँ। हाँ ठीक है। यमुना के साथ काम करने वाले कलीग्स को बुलाइए, और तो जब भी बुलाऊं हाजिर हो जाना। ठीक है सर। केस कहीं और जा रहा है, इमीडिएट FIR दर्ज करो, CID सभी स्टेशन में फॉरवर्ड कर दो। बेटी का फोटो दे दिया क्या? लेकर नहीं आई सर। आइए जी, खाली हाथ ही चली आइए, हमारे पास एक ही केस है डील करने के लिए, जाइए जाकर फोटो लेकर आइए। चलो मेरी वेट्री को बोलकर फोटो मंगवा लेते हैं। जाइए जाकर लेकर आइए। सर
छे। डेली 2 घंटे वो तुम्हारे पास रहती थी। क्या लव है? लड़की को कहाँ रखा है? कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है मेरी बेटी? इसीलिए मेरे पति के मरने के बाद मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो मेरी हम लोग आपस में बात कर लेंगे। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, चलो बाहर चल के बातें करते हैं। इनको बाहर लेकर जाओ। चलो चलो चलिए चलिए बाहर चलिए। वो वहाँ चेयर पे बैठी है। बेकार में टेंशन ले रही हो, आराम से बैठो। कब से चल रहा है? लड़का कौन है? लड़की का लवर है सर। हैबियस कॉर्पस लेने से अपने को कुछ नहीं होगा, काम बच जाएगा, सारी जिम्मेदारी पुलिस की हो जाएगी। पैसे की मांग अभी तक किसी ने नहीं की। इनके बेटे को कब से जानती है? जब से पैदा हुई तब से जानता हूँ सर। एक दिन भी मुझसे बिना बात किए नहीं रही है सर। आपको किसी पर शक है? मुझे तो तुझ पर ही शक हो रहा है। लास्ट में तूने ही कॉल किया था ना उसे, जब वहां पर कोई नहीं था तूने ही आने के लिए उसे कहा था। आज उसका जन्मदिन है सर। प्लीज सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज सर, उसे ढूंढ लीजिए सर। ढूंढे बोले तो? साला सुबह 4 बजे उठकर लव करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो लव करने का टाइम था? आज की डेट में क्या हो रहा है तुझे मालूम है? उसके गायब होने का पहला कारण तुम ही हो। तुझे अंदर डालूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। आइए सर। नमस्ते सर। क्या बात है? यमुना केस के सिलसिले में मुझे भाई ने बुलाया है। अभी अभी अक्यूज पकड़ में आया। सस्पेक्ट बोलिए सर, लव करने वाले सभी अक्यूज नहीं होते। यमुना किसी को प्यार करती है क्या? सर, विक्ट्री से वो मिला करती थी। विक्ट्री को आखिरी बार कब देखा था? यमुना कहाँ है? मैं सुबह 6 बजे सेकंड कैब में आते वक्त वो वेट कर रहे थे। यमुना कहाँ है वो पूछा था। काम की जगह कोई टॉर्चर या ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं था सर। कब से ये सब चक्कर चल रहा था कुछ मालूम है आपको? बहुत दिन से प्यार करते थे। यमुना डेली काम के बाद कहाँ उतरती थी? सर, बेसंत नगर बीच रोड पर। आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। भाई, हैबियस कॉर्पस ही फाइल करने को बोला था। मैं ही आपको किसी तरह की समस्या ना हो यह सोचकर अंदर आया। हैबियस कॉर्पस फाइल करने से क्या जज आकर ढूंढेगा उसे? हमको ही जाना पड़ेगा ढूंढने। सर, 1 मिनट। सर, लड़के के बारे में सब पूछ लिया है। सेकंड कैब आने तक उसने वेट किया था। बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। घर पर मैटर ओपन हो गया है। लड़के की थोड़ा पूछताछ करके दबाव डालने से मालूम पड़ जाएगा। आप सबसे पूछताछ कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, FIR फाइल हो गया। CRP सभी स्टेशनों को फॉरवर्ड कर देता हूँ। ह्यूमन रेस्क्यू होम, ब्रोथल केस, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, मॉर्चरी तक चेकअप कर लेता हूँ। भाई, आप भी उस लड़की को ब्राउजिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ब्लाउज लाने की जगह, फ्रेंड के घर, शॉपिंग मॉल, सभी जगह ढूंढ कर देखिए। आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कॉल कीजिए। ठीक है सर। मुझे अभी भी तुम पर ही डाउट है। ठीक है, फोन का IMEI नंबर लगा दीजिए। साइबर क्राइम में देकर सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब तो पुलिस में कंप्लेंट दे चुके हैं, अब वो जरूर खोज लेंगे। क्या हुआ? यमुना का फोन का IMEI नंबर देने से जरूर पता लगा सकते हैं, इसलिए। जिसको हम मिलने जा रहे हैं। hey! जाने के लिए 3 घंटा तो जरूर लगेगा। खाने के लिए चॉकलेट कुछ भी नहीं रखती है। हाँ, क्या है बोल? ये केरला का टिकट लेने के लिए 3 घंटा वेस्ट हो गया। इसका लवर भी है, बहुत अच्छा है।
आगे गाड़ी रोको। हे, जाने का है तो जल्दी जाके आ। कोई सीआरपी आया है? अरे वो आता ही रहेगा, तुम अपना काम करो। हेलो, मुन्ना का फोन मिल गया, आप लोग तुरंत स्टेशन आ जाओ। तुरंत आते हैं सर। बोल दे, मुझे क्यों मार रहे हैं सर? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की सर, मेरी एक ही लड़की है। तो फिर फोन कैसे आया तेरे हाथ में? सर मैं सच बोल रहा हूँ, बेसर नगर बीच पर पोस्टर चिपकाते समय गिरा हुआ मिला सर। सर मैं उस लड़की को नहीं जानता सर, फोन आप ले लीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ सर। सर इससे वहां ले जाकर पूछताछ करिए। चले इधर आ, देने पर भी मारते हैं, नहीं देने पर भी मारते हैं। फोन ऑफ करने से सोचते हैं कि ढूंढ नहीं पाएंगे। कॉल लिस्ट देखा, इनकमिंग आउटगोइंग सब में वेटरी वेटरी है। कौन, आप ही हैं? हाँ जी सर। पोस्टर चिपकाने वाले ने बताया फोन बीच रोड से उठाया था। सब जगह मैंने पूछताछ किया, एक भी एविडेंस नहीं मिला। विमेंस रेस्क्यू होम, ब्रुटल केस, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, सब जगह। अगर एक भी एविडेंस मिल जाता तो उसको रखकर हम फॉलो कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सब ब्लैंक है। एक काम कर सकते हैं, अदर स्टेट हंट के लिए हम रेडी कर सकते हैं। सर ये देखिए सर, कौन खड़ा है? आप है? हाँ सर। ये क्या है भाई? बैटरी, बैटरी। ए, बीच रोड से उसे उठाया है। शिट, सर
मोड ऑफ एक्शन से ये प्रोफेशनल किडनैपर लगते हैं। आपका तुरंत एवी स्टेशन जाना ठीक रहेगा, वो लोग हमसे ज्यादा इजी वे में मूव करेंगे। सर सर आप ही तो बोले थे कि इजी से ढूंढ लेंगे, अब कहां जाएंगे सर? मैं एविडेंस देखने के बाद ही बोल रहा हूँ, हमारे मूव करने से बेहतर एवीएस वाले मूव करेंगे। एवीएस का मतलब? एंटी वॉइस स्क्वाड, मतलब सेक्स रैकेट को रोकने वाले। सिटी लिमिट में ब्रोथल में लड़कियों से धंधा करवाना, दूसरे स्टेट से ब्रोथल के लिए लड़कियों को लाना, इससे संबंधित लोगों की भी एक बहुत बड़ी लिस्ट एवीएस के पास होगी। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, वो लोग ढूंढ लेंगे। सुबह ही हुआ ना? जी हाँ सर, एविडेंस सर। यहाँ जो खड़े हैं क्या आप हैं? कार से सिटी में एक्टिविटीज देखने से अदर स्टेट का है जैसा दिखता है। सी, अगर लड़की यहाँ धंधा करने वालों के पास होगी तब हम उसे इजी से रिकवर कर लेंगे, लेकिन अदर स्टेट ट्रैफिकिंग का मैटर होगा तो कमिश्नर से परमिशन लेकर ही हम आगे मूव कर सकते हैं। शनमुगम, रवि मेरी हिस्ट्री बोलो। एक्यूज्ड आर इन्फ्लुएंस सर, पिछले महीने गायब हुई वो प्रिया किसके लोग हैं सर। हेड कहाँ है? मेडिकल लीव पर है सर। सर प्लीज सर, सुबह से ढूंढ रहे हैं सर। उनको बोलो मैंने बुलाया है। यस सर। आप जरा बाहर वेट करिए। ठीक है सर। अभी जाओ बोले तो हम नहीं जा सकते, वैसे ही हम 3 घंटा लेट हैं। उन लोगों को दवाई देकर 2 घंटे हो चुके हैं और थोड़ी देर में उठ भी जाएंगे। सिक्योरिटी को पैसा दे दिया? ज्यादा सिक्योरिटी रहने के कारण ज्यादा पैसे मांग रहे थे, पैसे दे दिया। लगता फ्लाइट आ गई है, गाड़ी स्टार्ट करो। करेक्ट से टाइम पर पहुंच जाएगा ना? तुम गाड़ी मूव करो। Hello? No, I can't even wait for 2 minutes. Come down soon. Yeah, come fast. Bye. अगली बार कोई फंसे तो बताना, जाओ चल बे। कौन है सर हेड? स्टेशन पर वही है हेड कांस्टेबल। एसी को अगर डाउट हुआ तो उन्हीं से पूछेंगे। बैटरी वहां साली। बैठो। साली धंधा करती है। 4 बजे नहीं फोन किया तो मैडम का गुस्सा देखना चाहिए था। अब क्या लुक दे रही है, डांट क्या प्यार क्या है? धंधा करने वाले तुमको इतना गुस्सा, तो सच में प्यार करने वाले का क्या? बोलो और कहाँ कहाँ तेरा नेटवर्क है, खुद ही बताती है या दूसरा ट्रीटमेंट दूँ? हेड हाँ। शाम 4 बजे का केस है, कैसा है? अरे ऐसा लगता है वो पेट के लिए कर रही है, छोड़ दो उसे। 1 महीना वेट करके पकड़ने के बाद ऐसा बोल दिया? एड्रेस फोन नंबर ले लो। तुमने फाइल दे दिया, तुम जाकर उनको आने को बोलो।
यस सर। सर दयालन इसे देखो, कार में किडनैप किए हैं। भाई सर बुला रहे हैं। एविडेंस देखने पर लगता है प्लान करके किडनैप किए हैं। सर तमिलनाडु है या अदर स्टेट है ये नहीं मालूम हो रहा है। आप इनको ले जाकर हमारे तालाब की सभी बड़ी मछलियां दिखा दीजिए। ओके सर। लुक मिस्टर, ये आपको कुछ जगहों पर लेकर जाएंगे, आप इनके साथ जाइए। दयालन सर, कोई भी सस्पेक्ट मिला तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म कीजिए। यस सर। यू गो विथ हिम। ओके ठीक है, आइए मेरे साथ आप। गाड़ी है ना? हाँ सर। कैसे जीऊँ तेरे बिन, मैं तुझ में है सांसें मेरी, तुझी में है मेरी जान, तुझ से हर जादे मेरी, तू ही मेरी वफा है, तू ही करता
नहीं है अब ये दिन तन्हा मेरा। बेटरी, मैं पूछताछ कर रहा हूँ ना, फिर तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? सर, अरे हेड, कोई सस्पेक्ट फंसता क्या? नहीं सर, देख रहा हूँ, अभी कुछ जगहों पे देखना बाकी है। अरे बहुत फोन आ रहे हैं, आप लड़के को लेकर स्टेशन आ जाइए। यस सर। और कहीं सर्च मत। ओके सर। विक्ट्री, साहब का फोन था, हम दोनों को तुरंत स्टेशन आने को बोला है। मिल गई सर। मुझे नहीं मालूम, वहाँ जाने पर पता चलेगा। चलो चलते हैं, चलो। सॉरी सर, हमने जैसे सस्पेक्ट किया था वो लड़की कहीं नहीं मिली। लड़के के हाथ में एविडेंस भी है। हाँ सर, हम थोड़ा और फर्दर मूव करके देखते हैं। नहीं दयालन, वैसे ही जहां जहां सर्च किए थे वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दयालन, बेहतर है केस को ट्रांसफर कर देते हैं। वेट्री सर, आओ, अंदर बुला रहे हैं। सर, आप लोकल स्टेशन में बोलकर सभी जगह ढूंढ चुके हैं, हम भी अपने सारे डिवीजन में ढूंढ लिए हैं। अब हम इस एविडेंस को एंटी ट्रैफिकिंग सेल में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। वही मिस्टर, इंसानों का स्मगल रोकने का सेल, ये CBCID का एक स्पेशल यूनिट है। दूसरे स्टेट से यहाँ लाकर धंधा करवाने वालों का ही हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। यहाँ से विदेश या दूसरे स्टेट में ले जाकर लड़कियों से धंधा करवाने वालों से एंटी ट्रैफिकिंग सेल ही डील करता है। नो! उसे गायब हुए 14 घंटे हो चुके हैं। वहां जाने से यहाँ भेजते हैं और यहाँ आने से कहाँ ले जाते हैं। अभी और दूसरी जगह जाने को बोल रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। बेकार का चिल्लाइए मत, आप एविडेंस लाए थे इसलिए हम इतने लेवल तक एक्शन ले सके थे। एविडेंस के बिना कितने केस ऐसे ही पड़े हैं मालूम है? आप जिधर जाके आए थे वहाँ धंधा होता है, ये हमें भी मालूम है। धंधा करने वालों को पकड़ेंगे तो और कोई धंधा चालू रखेगा। जैसा भी हो यह धंधा चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे कंट्रोल में रहेगा, इतना ही है। इसलिए हम आपको वो सब जगह भेजकर वो लड़की है या नहीं दिखा सके थे। बेकार का चिल्लाते हो, दयालन, टेक हिम आउट। यस सर। बेटरी, आओ आओ, मैं बताता हूँ। सर, आउट आई से। बेटरी, तुम चिंता मत करो, हम जाकर ATC में देखते हैं। वहां जाने से क्या, दो कॉल करेंगे, तीन जगह लेकर जाएंगे और फिर 4 दिन बाद आने को बोलेंगे, बस इतना ही ना सर। तुम इतना गुस्सा मत करो, वही AC ने बताया ना, ये धंधा करने वाले और उनका साथ देने वाले ये सब बहुत बड़े लोग हैं, किधर भी छूने से तुरंत कॉल आ जाएगा। इसलिए इसको हमें बहुत सोच समझ कर डील करना होगा। यही आपकी बेटी होती तो क्या सोच समझ कर डील करते थे? ये सब के लिए वो होने चाहिए थे। कौन सर? चार्ल्स एंथोनी, वो पहले ATC के ADDGP थे। अगर आज वो होते तो ये लड़की क्या, और कोई भी लड़की को नहीं उठा सकते थे। एविडेंस मिलते ही उठाने वाले को बता देते थे। 5 साल के पहले ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था, तो हर एक पुलिस स्टेशन में लड़कियों के स्मगलिंग रोकने के लिए आदमी रखना चाहते थे, लेकिन आज उनको घर पर बेकार बैठा दिया है। अगर आज वो होते तो वो लड़की इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी होती थी। अभी वो सर कहाँ मिलेंगे? वो डिपार्टमेंट छोड़ के जाने के बाद पुलिस को देखना पसंद ही नहीं करते हैं। उनका एड्रेस चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम उन्हें जाके मिल लो। चार्ल्स एंथनी, क्या चाहिए? सर, यमुना सर कार में उठा ले गए थे सर। है? कार में ले गए थे सर। उठा ले गए तो पुलिस में जाकर कंप्लेन दे दो। दे दिया सर, कोई एक्शन नहीं लिया सर। AVS के दयाले नहीं बताए कि आप हेल्प करेंगे। अच्छा, वर्दी पहनकर हर महीना पगार लेते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या करूं, क्या चाहिए तुझे? सर प्लीज सर, सर मेरी हेल्प कीजिए सर, सर मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं सर, प्लीज सर। तुम जाकर ढूंढो। सर, मैं ढूंढ लिया सर,
मुझसे जितना हुआ मैं सभी जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ मैं गया था अगर वो देखती तो जान दे देती। उसके बिना मैं मर जाऊंगा सर, वो मेरी जान है सर। बकवास! ऐसे ही एक आया था, मेरी जान को उठा ले गए, बचा लीजिए। उठाकर मुंबई में बेच डाला, बिना यूनिफॉर्म का ये काम करना पड़ा, लड़की को बचा कर लिया आए। जिस मुंह से उसने मेरी जान बोला था उसी मुंह से उसने रंडी बोला, यहीं पर अपना जान दे दी, यहीं पे। ये कैसा लव था है? बिना जबरदस्ती लड़की का इज्जत लूटना ही लव कहलाता है। जाओ, तुमको दूसरी लड़की मिल जाएगी। सर मुझे चाहिए सर, सर वो कैसी भी है मुझे चाहिए सर, उसके बिना मैं जी नहीं सकता सर। सर देखिए सर, सर देखिए सर प्लीज, सर देखिए सर प्लीज। ये कितने बजे मिला? दोपहर 1 बजे सर। लड़की को कितने बजे उठाया? सुबह 4 बजे। हाँ सुबह 4 बजे सर। पुलिस इस एविडेंस को देख के क्या बोली? सिर्फ केस को ट्रांसफर किया सर, लोकल एवीएस एटीसी, एक्शन कुछ भी नहीं लिया सर। आखिर तक इस लड़की के साथ स्ट्रॉन्ग से खड़े रहोगे? जान भी चली गई तो भी। तुमको ये लड़की चाहिए, मुझे ये नेटवर्क चाहिए। अगर ऐसा एक एविडेंस भी मेरे पास रहता था तो कब का कितने ही नेटवर्क को पकड़ लेता था। अभी भी मैं तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। एक लड़की को उठाने से 13 टाइप के बिजनेस होते हैं इस दुनिया में। हाँ, इस दुनिया में हर एक इंसान का शौक ही कारण है। काम दिलाता हूँ बोलकर, झूठ बोलकर फंसाना, लव करता हूँ बोलकर, शादी कर कर, ब्लैकमेल, धमकी देकर, मार कर, बिना खाना दिए हुए। इतने ही नहीं, हीरोइन बनाता हूँ बोलकर, मॉडल बनाता हूँ बोलकर, बहुत ऐसे बहुत। दुनिया में कमाई कम नहीं होने का एक ही बिजनेस है, लड़की। आज सिर्फ यमुना ही नहीं, तमिलनाडु में टोटल 6 केस, उसमें 2 लव अफेयर, बाकी 4 केस में सिर्फ तुम्हारे केस में एविडेंस है। बाकी 3 लड़कियों को क्या हुआ नहीं मालूम। महीना में 120, साल का 1400, ये टोटल सिर्फ इंडिया का है। पूरी इंडिया, पूरी दुनिया, सोच कर देखो कितने लोग एक साल में। ड्रग्स के बाद सबसे ज्यादा स्मगलिंग लड़कियों का होता है। अगर दुनिया में दूसरा बड़ा गुनाह है तो यही है। तुम जैसे सोचते हो ये रैंसम केस नहीं है, उठाकर रेप करने वाला केस भी नहीं है। इंसान को इंसान के लिए इंसान ही बेचता है। यस, इट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लड़की कहां और कब मिलेगी बताने से बस है, तुरंत उठा लेंगे। लड़की के बाल से नाखून तक सबका पैसा है, अ सेलेबल प्रोडक्ट। मैं जहां भी गया था वहां नहीं थी सर। कितने लोग देखे थे? यही कुछ 30-40 लोग सर। आज रात को सिटी के अंदर 6,500 लड़कियां इसके लिए 4,500 बड़ुए काम करते हैं। ये सब सिर्फ रिकॉर्ड के अनुसार है, बिना रिकॉर्ड के और कोई हिसाब है? तुम जहां गए थे वो लोकल था, ये इंटरनेशनल है। लड़की को उठा के तीसरे ही दिन इंडिया से बाहर भेज देंगे। उसके बाद तुम जिस भगवान को मानते हो वो भी सोचे तो उसको बचा नहीं सकेंगे। अभी क्या करें सर? देयर इज अ वे आउट। कनाडा प्रसाद। पैसे के लिए कुछ भी करेगा, इसका सब नेटवर्क में लिंक है। इसको पकड़ने से ही हम कौन सा रूट पे जा रहे हैं मालूम पड़ेगा। अगर मेरा व्यू सही है, यस, इंटरनेट स्कीम की।
अभी कहाँ जा रहे हैं सर? बताता हूँ, सीट बेल्ट डालो। टैंक फुल करो, टैंक फुल करो। कौन है सर कनाडा प्रसाद? एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। दुबई में ऊँटों का गोबर उठाने गया था, वहाँ एक शेख को उसकी बीबी पसंद आ गई, बेच डाला, पैसों का स्वाद चख लिया, इंडिया से फॉरेन में काम दिलाता हूँ करके सभी लड़कियों को बेचा। नेटवर्क बड़ा किया। आज दुनिया के सारे नेटवर्क में उसका लिंक है सर। उसको कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी चलाना जानते हो? गाड़ी चलाना जानते हो? बैटरी का सीरियल नंबर नोट कर लो, BS 720 720 119 119। कम नोट में आपने क्या लिखा था? मेरा फोन नंबर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वो वुड लाइक टू बुक ए रूम। श्योर सर। कुड यू टेल अस द टैरिफ ऑफ दोस कॉटेजेस? या इट्स अ 5,500 विदाउट टैक्सेस and other is 7,500 plus taxes. Okay, this is for you. This is my number. Sir. Come in. Okay. Dress pehen ke ready ho jao. If I were to marry, I would marry a milkman daughter more than anybody. So she would milk and I would milk and we would milk together. हम जहाँ जा रहे हैं शायद उनके ही आदमी होंगे, हमें ही केयरफुल रहना पड़ेगा। Wake up in the middle of the night, milking one another. I need your serial number, please. Oh yeah, sure. I'll give it to you. 1 minute. BS 720 119. Thank you, sir. What do you want? I need 5 white girls. No, sorry, sir. He can't give it now. Okay, no problem. I have more numbers. I can arrange for it. सर क्यों सर फोन को काट दिए? 10 लाख का धंधा है, 5 लड़कियां हैं, फोन जरूर आएगा। He would screw and I would screw and we would screw together. There. वही है। Hello. Hey, listen. Can you arrange it or not? Don't waste my time. Yes, he can arrange it, but my boss wants to speak to you. Sure, why not? I want to meet you. Let's go. Hi, handsome. Namaskar. Chennai se aaye ho kya? Sit down, baby. Local ya international? Local ke liye tumhare paas kyun aata? Oh, international business, baby. Awesome. कौन सा देश का चाहिए? इंडो अफ्रीकन, पाकिस्तानी, एनआरआई, रशियन, मैक्सिकन, एनीथिंग? होली शिट। हाय। 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 बहुत डेवलप हो गया है, लैपटॉप, फॉरेन आइटम, बिजनेस मस्त चल रहा है। सर आप ड्यूटी पे हैं? तुमको पकड़ने के लिए ड्यूटी में रहना जरूरी नहीं है। ये देखो, मुझे तुम्हारा नेटवर्क जरूरी नहीं है। बैटरी
ये लड़की। सर क्या माल है सर, एक्सीलेंट फिगर सर, अच्छा रेट जाएगा सर, चाहिए सर, क्या उठा ले सर? कल ही उठा लिया है। उठा लिए हैं सर? वही तो देखा सर, हमारे आदमी क्या ऐसे लड़की को छोड़ सकते हैं? अब ये लड़की कौन से नेटवर्क में रहेगी? क्या सर, बच्चों जैसी बातें करते हो, अभी बिजनेस पहले जैसा नहीं है सर, बहुत तरक्की कर गया है सर, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, अभी मेरे जैसे 10 लोग हैं सर। हाँ व्हाट यू से बेबी? यस। अबे तू बताता है या नहीं? सर आप विश्वास नहीं करोगे, आज बिजनेस सब इसके अंदर आ गया सर। यहाँ देखिए सर, सिंगापुर में आज होने वाला ऑक्शन है सर, क्या मस्त फिगर है सब, इसमें से कौन आपको चाहिए बोलिए सर, एजेंट घर पर ही लाकर छोड़ देगा सर। सर अभी बिजनेस सब ऑनलाइन इंटरनेट से हो गया है सर, नहीं तो ये लैपटॉप के साथ, ये फिगर के साथ मैं क्यों चल रहा हूँ? तब तुम नहीं बताओगे? तब यहाँ कौन ऑक्शन कर रहा है? सर अगर मैंने बता दिया तो मेरी जान चली जाएगी सर। शिट। नहीं भी बताओगे तो जाएगा। आपको मालूम है आप लोगों को खुश रखना ही मेरा ये धंधा है। क्या सर गंदी खाकर डराते हो, क्या चाहिए सर आपको? इंडिया में ऑक्शन कहाँ होने वाला है? कल गोवा में। ओ, ये लड़कियों को कैसे लेके जाएंगे? रोड से ही सर, जाते वक्त किडनैप करके जाएंगे ही सर, शिमोगा ऐसे जगह में कोई प्रॉब्लम हो तो सेफ से हट जाएंगे सर। कौन सा रूट बताया? इंटीरियर कर्नाटका रूट ही सर। ओ, और आगे? फिर क्या, गोवा के मयाना बीच में जाकर लड़कियों की जांच करेंगे। जांच का मतलब कुछ नहीं सर, डॉक्टर के पास ले जाकर वर्जिनिटी चेक करेंगे, अगर हाथ लगाई हुई फिगर है तो लोकल में ही बेच डालेंगे, अगर लड़की को किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में लड़कियों को ऑक्शन कर देंगे सर। कौन ऑक्शन से उठाता है मालूम नहीं होता सर। तो इन लड़कियों को अगर हम रास्ते में नहीं बचा सके तो ऑक्शन में ही लेना पड़ेगा सर। ओके, तुम्हारा एजेंट का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? हाय ब्रदर, हाउ इज द कॉल? ओह ऑल राइट, मेरा फ्रेंड है सर। तुम्हारा एजेंट का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? सर greenhome.com, यूजर नेम कोबरा है और पासवर्ड नो ब्रा है सर। व्हाट? नो ब्रा सर। सर सर वो इतना इजी नहीं है सर, दुनिया के सभी पैसे वाले मगरमच्छ बोली लगाएंगे सर, जो आदमी लड़की को खरीदता है वो मेरे जैसे एजेंट को मेल भेजेगा सर, उस मेल में दिए हुए एड्रेस पर मैं आइटम को ड्रॉप कर दूंगा सर। सर वो कहाँ होता है, कब होता है, कौन करवाता है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता सर। अभी सब कुछ बता दिया सर, छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। बाय ब्रदर, छोड़ दीजिए ना सर। तुमको छोड़ कर जाने के लिए मन नहीं करता रे। सर मुझे आपके साथ ले चलिए सर, बिजनेस बहुत बोर मारता है सर, आपका गन पकड़ कर पीछे ही चलता हूँ सर। टाइम हो गया सर, आप निकलो सर। बाय, ऑल द बेस्ट, संभाल कर जाना, इसको लेकर जाओ। Why did you give out the password? Don't worry, girl. I've already fixed the bomb. हम कौन से रूट से जा रहे हैं सर? मैंगलोर वेस्ट कोस्ट रास्ते से भी नहीं गए होंगे, हुबली के रास्ते से भी नहीं गए होंगे, सो शीरा सागर शिमोगा कुंता कारवाट गोवा डीप इंटीरियर कर्नाटक का रूट, यहाँ सब चेक पोस्ट नहीं है, थोड़ा लेट होने से भी सेफली पहुँच जाएंगे। अब हम क्या करें सर? उनके रूट पे जाकर हम बेकार का प्रॉब्लम नहीं करते हैं, नहीं तो हुबली के रास्ते से जाकर उनके पहले हम मायना बीच पहुंच जाएंगे। अगर हम पहुंच नहीं पाए तो ऑक्शन में ही उठाना पड़ेगा सर, उतना पैसा घर पर चाहिए तो आई विल टेक केयर। वो कहीं तो सेफली निकलेगा बोल रहा था। क्या हुआ सर? बताइए सर।
साइड में लगा रहे जगह देख के रुक रहे थे। नीचे उतरो। उस तरफ जल्दी चढ़ा रहे, वैसे ही लेट हो रहा है। बीस हजार।
ready. प्रेसिडेंट की आंखों के सामने उसी की बेटी का किडनैप कर लिया। उठो उठो प्रेसिडेंट। इंस्पेक्टर सर, मेरे आंखों के आगे ही मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। अभी तक कुछ नहीं किया। अगर एक घंटे में मेरी बेटी वापस नहीं आती है तो तुम्हारी खैर नहीं। डोंट वरी सर, सारे चेक पोस्ट पर खबर कर दिया है, आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। बोलो किसको फोन करना है? होम मिनिस्टर को, सीएम को, पीएम को? वो सब जरूरी नहीं सर। वन आवर टाइम, वन आवर। ओके सर, दैट्स ऑल। चलो यार सर। KA085379 सर, रेड कलर वैन ओमनी टाइप सर, सब चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दीजिए। Hey! हाँ बोल। तुम्हें और कितने बार बोलूं? लड़के को पब्लिक में उठाओ या मत कर। तू चुप बैठ। मैं सब जानता हूँ समझा? किस टाइम पे क्या काम करने का मेरे को मालूम है। तुमने आज तक जो भी काम बोला उसमें तो प्रॉब्लम है, तो बोलना क्या? हाँ बोल। सब चेक पोस्ट बंद कर दिया है। कर्नाटक बॉर्डर तुम नहीं पार कर सकते। सभी चेक पोस्ट पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त है। नाइट में कहीं रुक जाओ, मैं फोन करता हूँ। इसकी माँ की गाड़ी चला हुआ। गाड़ी रोक साला। शिट, अब क्या करें? क्या हुआ? आगे नहीं जा सकते, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा। लड़कियों के साथ तो हम कहीं भी नहीं रुक सकते। ये लड़की अपने साथ में। सिर्फ 400 किलोमीटर है, हम पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम हो सकती है आगे मेन रोड पे जाने से ही। हमें प्रॉब्लम होगी, अंदर के रास्ते से निकल जाएंगे। आगे जंगल से जाने से कारवार आएगा, वहीं से गोवा निकल जाएंगे। वहां कोई चेक पोस्ट नहीं होगी। क्या बोलता है? बैटरी, प्लीज पिक अप द फोन। बैटरी। देखो मेरे बताए हुए रूट से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे बताए हुए रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वहां से नहीं जा सकते, सब जगह चेकिंग डल है। प्लीज पिक अप द फोन। हेलो बैटरी, यमुना कहाँ पर हो? यमुना बैटरी, चल गाड़ी निकाल। हेलो यमुना, सागर पार करके वो तलगुप्पा आएगा, उधर वो बुड्ढी के घर चलो। चले एक मिनट। अभी क्या हुआ?
अबे जगन भाई तुम किधर हो? यमुना ने फोन किया था, सागर के पास तलगुप्पा नाम की जगह जा रही है, वो कहां पर है? एक मिनट रुक। सागर के पास तलगुप्पा ठीक 40 किलोमीटर पर है। सीरा से कितना दूर है देखकर बताओ ना। देखता हूँ। तुम अभी जहाँ खड़े हो वहां से ठीक 220 किलोमीटर आगे है। क्या हुआ रे? अरे बाद में बात करते हैं। अरे बन बन चल चला है है ट्र चला चला है आगे चला। जरा साले बकरी को रोड में छोड़ क्या कर रहा है साला? भगाओ साला भगाओ। है चल चल बर 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 यहाँ पर तुम लोग ठहरने आते हो, पैसे भी नहीं देते, क्या बोलूं इन लोगों को? अरे कितने लोग ठहरने वाले हैं? 4 लोग। 5,000 दो। क्यों 5,000? 5,000 दोगे तो ही रहने दूंगी, नहीं तो नहीं रहने दूंगी। तुम अपनी मर्जी से क्या पैसा दोगे? जैसा तुम समझते हो वैसा ये चौल्ट्री या गेस्ट हाउस नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा ही बोलती है। दो। ठीक दिया है ना? गिन कर देख लो। किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, अब तुम्हें जो चाहिए वो करो, अब मुझे पूछने का कोई हक नहीं है। हाँ जरा हाथ तो पकड़ना। आ, 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 आ। चलो 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 जल्दी चलो चले उतरो सब लोग चलो उधर सादा नाटक नहीं चले उधर जल्दी 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 कर भाई चल इधर चल चला चल 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 ऐसी भी आवाज निकाली तो मार ही डालूंगा। सुन लिया ना? कोई शांत पत्ति नहीं। सिर्फ खाना खाने के लिए मुंह खोला, और किसी चीज के लिए मुंह खोला तो साली मार दूंगा। बैठ। कुछ खाने के लिए लेके आओ, जल्दी जाओ। गाड़ी रखो। सर मुझे जल्दी जाना है सर। आई हैव टू गो सर। सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज सर। पहले डॉक्यूमेंट दिखाओ गाड़ी के, तब छोड़ूंगा। प्लीज सर मुझे जल्दी जाना है सर। कहां कैसे ये मत पूछना, कमिट किया टाइम पर माल पहुंच जाएगा। चुप के बोलने का नहीं, फोन रख। हां बोल दिया ना तेरे को, फोन रख। ए तुम लोग यहां बैठकर क्या कर रहे हो? किसी ने कुछ नहीं खाया है, सब ऐसे ही सो गए हैं। मैं क्या कर सकती थी, आकर देखो। तू रुक। क्या रे, खाना क्यों नहीं खा रहे हो?
खाया क्यों नहीं? क्या रे? तुम हमसे क्या चाहते हो? तुझे क्या चाहिए? तुम लोगों से मैं क्या उम्मीद करता हूँ? क्या तुम लोग को नहीं पता? तुम्हारी माँ के पास भी तो वही है। हाँ है, लेकिन तुमको बेचने से पैसे मिलेंगे। साला सुअर का बच्चा, मैं तुझे मार डालूँगी। गट। प्लीज प्लीज। साली। Don't do anything please। मैंने तुमको बोला था लव करो, तुमने एक को लव किया, वही फोटो दिखाकर उठाने को बोला। 6 महीने के पहले सिर्फ 50,000 में तुम्हारा लव, समझी ना? पैसा, पैसा नहीं तो आदमी नहीं। तो ऐशो आराम से जीने के लिए हमारी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है? क्या तुझे ये गलत नहीं लगता? गलत? जैसे मैंने कोई गलती की हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो। तुम लोगों को उठाने के लिए हमसे पहले 10 लोगों ने फील्डिंग की थी। किधर जाते हो, किधर आते हो, तुम लोग क्या करते हो, सब टाइम डालकर बताए थे, इसलिए उठाया। तुम लोगों के पहुंचने का कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? कौन किसी एक के साथ ढंग से रहता है? शौक है, एक एक को शौक है, नया नया देखने का शौक है, वही उसी का हम बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो पहुंचाने वाला सिर्फ कुली हूँ, बस उतना ही। तुम लोगों का किया हुआ एक ही गलती है, मालूम है क्या? के लड़की पैदा हो गई और उसमें भी थोड़ी सी सुंदर। मेरे बाहर छोड़ो, मुझे जाना है। I have to go. यहां से निकलने के पहले किसी ने आवाज किया या चिल्लाया, साले तुम सबको मार डालूंगा। क्या? उठो साली, तैयार हो जाओ साली, जाते हैं। चल साली, इधर चलना, चलना जल्दी, और दे चलना। हे नीचे जाना, फटाफट करके आना।
क्या बोल? मैं बोला ना पहुंच जाता हूं करके, चुप के फोन करके टेंशन देने का नहीं। बोला ना आ जाता हूं करके, चुप के फोन रख दे। भाई जल्दी करना रे। ए, हो गया ना, चलो रे। भाई चलो चलते हैं। अबे बोल, बोलता है या नहीं? तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम तुझे? सर सर मुझे छोड़िए सर, आई हैव टू गो। क्यों रे भाई? पेपर नहीं है सर, थेफ्ट केस समझकर अंदर कर दिया सर। ये सब कोई केस है, उसको छोड़ दो, फालतू में बंद कियो। सर बोलो, थोड़ा मैं बिजी हूं, अभी मैं नहीं आ सकता हूं। ओके बाय। पुलिस की नौकरी भी, कहां से आए हो तुम? चेन्नई सर। तमिल हो? गाड़ी का पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे जल्दी जाना है सर। नहीं मालूम और यहां कर फंस गए। ठीक है जा, एक मिनट, इस लड़की को कहीं देखा है? प्रेसिडेंट की लड़की है, उठा लिया है। नहीं सर नहीं देखा। ए इसकी बाइक की चाबी इसको दे दो। ठीक है सर। चेक पोस्ट से कोई इंफॉर्मेशन आया है? छोटे इधर आ। इस कार को कहीं देखा है? वो बुड्ढी के घर गया मालिक। से लाता हूं, कैसे भी पैसे देकर गाड़ी लेकर आ जाऊं। तो तुम गाड़ी छोड़कर भाग जाना। ओके। Thank you.
दौड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना ही आदमी था, पैसे मांगा। अच्छा हुआ तुम बोले, चलो चलो ऊपर। अरे कुछ ना, चल चल चलो। लगता कोई है नहीं यहाँ पे, जाओ उसको खोलो। वो आदमी से क्या बात कर रहा है, ऊपर कुछ होगा तो नहीं? देना था ना, ऐसा सब सोचेंगे तो हमेशा खाली हाथ ही रहेंगे। हम बकरी या गाय को स्मगल नहीं कर रहे हैं, लड़कियों को स्मगल कर रहे हैं। इसका शौक ही हमें आज बचाया है, समझा क्या? समझ में आया तेरे को? क्या करेगा? शौक पूरा करेगा। छोड़ो, वर्जिनिटी थोड़े जाने वाला है पागल। जा लेकर आ जा। Oh!
गाड़ी का चेकआउट है क्या? पेपर सब है? ठीक है निकल। ए गाड़ी छोड़ दो। ए तू निकल यार। ए तुम रुको गाड़ी रुको। कहाँ से आ रहे हो? चेन्नई से। इस लड़की को कहीं देखा है? ये सिमोबा प्रेजेंट की लड़की है, देखा कहीं से? नहीं। कहीं देखा तो इन्फॉर्म करो। ए चलो जाओ। हेलो जग्गा। हे हेलो। बैटरी लो। दुकान पर खड़ी। हाँ। ओ भैया इधर कोई फोन मिलेगा? इधर कोई फोन नहीं है। सागर से सिर्फ एक ही रोड है। हाँ ये एक ही रोड है, वो फॉरेस्ट रोड है, पब्लिक के यूज के लिए नहीं है भैया। और गोवा जाने का रोड? हाँ ये रोड जाएगा गोवा। कोई प्रॉब्लम के सारे चेक पोस्ट हम लोग पार कर गए। ए भाई सिगरेट देना यार। 120 किलोमीटर जाना है, टाइम पर पहुंच जाएंगे ना? हाँ जा सकते हैं, कर्नाटक का बॉर्डर पार कर चुके हैं और चेक पोस्ट भी नहीं है, आने को बोलो उसको। चल गुरु चल दिया। ला। ए, पानी पिएगी? हाँ बोल। सब ठीक है इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 घंटे में ठीक पहुंच जाऊंगा। तुम बाकी के काम रेडी रखो। चेंज तुम कहाँ हो अभी? नहीं मालूम रे, आज 5 बजे तक गोवा पहुंचना पड़ेगा। चाल सर ने जैसा बताया था अब ऑक्शन में ही लेना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा पैसा है, पिताजी को बोलो कि घर के कागज गिरवी रखने को, और बाकी फ्रेंड से भी थोड़ा पैसा चाहिए तुमको। अरे मुझे कितना मालूम नहीं है रे, जो भी मिलता है डाले जाओ। यमुना की माँ को इस बारे में कुछ भी मत बताना, मैं यमुना को लेकर आऊंगा। अरे मुझे पूरा भरोसा है। कहाँ है? कुछ मालूम पड़ा? अरे यहीं पर कहीं है रे। Thank you.
आगे चलो। वो कैसे कूद गई थी साली? हाँ? हाँ? क्या तुझे अकल नहीं है? हाँ? चलो चलो। सब ठीक है? चलो। हाँ मैडम। हे पापा। लेकर आओ। एक ओके है, लेकर आऊं? ले आओ। चल, 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 चलो चलो चल चलो चल। से खड़े रहना। अबे केरला टिकट वेस्ट हो गया, क्या करें? लोकल में हमारे आदमी के पास पटक देते, क्या बोलते हो? आने बोलो उसको। क्या जी, मैं गोवा में मैना बीच में हूँ, हमारे पास एक पीस है, तुरंत आदमी भेजो जल्दी। पास
रेट की बात कर ले। ए, फर्स्ट पीस को देखो फिर रेट के बारे में बात करो, जाओ। ठीक है ठीक है। ए, वो नहीं वो। ओ, ये है? चल बात कर ले इसका। ओके ओके। कितना है? 4। क्या 4 ओके है? 5। 5 फाइनल। अरे श्याम क्या रे, ये लड़की का 5 ओके, उसका 4 ज्यादा। लाओ दे दे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, ये ओके है। ए, चल साली चल। ए, अरे चलना है। अरे चल चल अरे चल चल चला चल चल। मिस्टर रे सबके लिए ऊपर वेट कर रहे हैं। हाँ जाते हैं चलो। गुरु ये तो हमें ऊपर ले आने को बोल रहे हैं, पर कुछ चलो चलो संभाल लेंगे। ठीक है चलो। चल जाके वहां खड़ी हो जा, जल्दी जा। यू हैव एग्री फॉर 4 गर्ल्स एंड बॉय देम 2। I know I got some questions, and A is going to be your son, so I suggest you to keep your questions to yourself, okay? Here. These two girls are from North India, and these two girls are from South India. Where is Balan? We are getting ready for the bidding. Hi there. You are Yamuna. It's going to be a very simple process. There's no point in crying. So don't cry. You girls, mind me smoking? I do a very unique business. You are all my products. I put you in the market. If you make money, there's no problem. Or else, you'll have to pay for it. Sex is a very serious business. I know you all from the very beginning. Number 10. कचहरी रोड सैंथोम। माँ घर पर अकेली है ना? 10 साउथ इंडियन गर्ल इज वेरी हॉट, पुट हर इन द लास्ट क्लॉट, गेट हर रेडी फॉर द बिडिंग। यस सर, गेट रेडी। अब कोई निकला है तूफान, आहा निकला है तूफान, बचा ले दुश्मन अपनी जान। रोक न पाएगा अब कोई निकला है तूफान, आहा निकला है तूफान, बचा ले दुश्मन अपनी जान।
खाई है इसने कसम हाथ मिलाने की, दुश्मन की दुनिया को घर से मिटाने की। रोक न पाएगा अब कोई, निकला है तूफान, आहा निकला है तूफान, बचा ले दुश्मन अपनी जान। रोक न पाएगा अब कोई, निकला है तूफान, आहा निकला है तूफान, बचा ले दुश्मन अपनी जान। है हाथों में फौलाद है, कमल न पाएगा मुजरिम मैदा इसका अंदाज है। सीने में अंगार है हाथों में फौलाद है, कमल न पाएगा मुजरिम मैदा इसका अंदाज है। कांटे पीछा तो चाहे पहरे लगा तो चाहे ये ना रुकेगा, दीवारें उठा तो चाहे कांटे पीछा तो चाहे पहरे लगा तो चाहे ये ना रुकेगा, दीवारें उठा तो चाहे। आया है तूफान बचा ले दुश्मन अपनी जान। रोक न पाएगा अब कोई, निकला है तूफान, सौदागर की शामत आ गई, आप मिलाने देखो बन के मौत की आफत आ गई। चाहे जहां जाएगा ना चुप पाएगा, आया सिकंदर जो ना रुक पाएगा। एयर होस्टेस अच्छे रेट में जाएगी बिना कोई तकलीफ के। कैन आई यूज दिस? यस श्योर। आर यू यूजिंग दिस स्टफ?
अच्छा दाम मिला। इस लड़की को भी हमारे साथ ही किडनैप किया था। ए, चल खड़ी रह, सीधे खड़ी हो जा। यमुना। मैं कभी लेट नहीं आऊंगा यमुना, मेरे पास आ जाओ यमुना। Hey, what's wrong with you? हेलो बैटरी, मैं हूँ। सर, सर आप? वो सब छोड़ो, तुम कहाँ हो? सर, सर मैं हार गया सर। अरे मैंने ही उसको ऑक्शन में उठाया। एक काम करो, तुरंत मेरे पास आ जाओ। बैटरी। सर आपने कैसे उठाया? सर बोलने का टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, ये ईमेल कॉपी लेके बागा बीच है ना, वेटियर होटल रिसेप्शन पे कॉपी दे देना। उसके बाद वही लोग आके तुझे ले जाएंगे। ओके, ये लड़की कौन है? सर ये मैना बीच में यमुना के साथ इसको भी किडनैप किया था सर। आई ओके प्लीज। ये देखो वो कहाँ लेके जाएंगे, कितने लोग रहेंगे नहीं बता सकता हूँ। ये वॉच तुम पहन लो, ये लो, ये GPS enabled है, समझा? तू कहीं भी जाएगा तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। देखो
मैंने गोवा इंटेलिजेंस से बात कर लिया, वो मेरे साथ आएंगे। तुम यमुना को सेफली ही वापस लेने जा रहा है, समझा? डोंट गेट इमोशनल, यू आर गोइंग देयर प्योरली एज अ बायर, एजेंट ही बन के जा रहा है, समझा? सो नो इमोशंस, श्योर? गुड। बाय द वे, जरूरत पड़े तो यूज करना, ओके? गो। Upstairs. क्या बोल रहा है? मेरी जिस्म को और मेरे को अगर आप भी रक्षा नहीं कर सकते हो तो मुझे माफ कर दो। यमुना, ये क्या है यमुना? कितने बार कहा मत आओ। मैं तो आऊंगा, तुझे मालूम है ना यमुना। <ना। laughs>
Hey, relax, relax, man. This is all a business. Get me money, take your girl. No violence. Battery, no. वो मुझे जिंदा चाहिए. मैं इसको. Relax, Mr. Ray. जैसा business वैसा नाम. अब तेरा बिजनेस यहां नहीं चलेगा. लुक अराउंड. क्या बोला? मेरा बिजनेस नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो सिर्फ मैं हूं. Nobody can ever stop this business. You got it?